नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का देश के नंबर वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर और हमारे चैनल वाई फाई स्टडी बैंक एग्जाम पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सामने यहां पर टॉप एडुकेटेड टॉप बैचेस की सारी जानकारी दी गई है। नए बैचेस शुरू होते हैं हर वीक, आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ और अपनी तैयारी को तूफानी अंदाज में आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए। आप जुड़ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ, यूज कर सकते हैं मिशा 10 कोड। 30 प्लस बैचेस हर मंथ आते हैं, 20 आर से ऊपर का कंटेंट हर आर में अपलोड हो जाता है इस प्लेटफॉर्म पर। 70 प्लस एडुकेटर्स हैं कैटेगरी में, 40,000 आर्स का कंटेंट रिकॉर्डेड यहां पर अवेलेबल है, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस और 98% से ऊपर ट्रस्टेड बैंकिंग एस्पायरेंट्स हैं। ये सारी खासियत है इस टॉप एडुकेशन प्लेटफॉर्म की। बेस्ट एडुकेटर है मेरे दोस्तों आपके सामने, फॉलो करिए अनअकैडमी के इस टॉप एडुकेशन प्लेटफॉर्म पर। इन सभी लोगों को एक्सीलरेटेड बैच शुरू हो चुका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क एग्जाम के लिए। इसके अलावा आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए, आपके लिए प्री और मेंस के लिए भी बैचेस शुरू कर दिए गए हैं। रणविजय सीईटी 2021 आपके लिए लॉन्च हो चुका है। क्या सोच रहे हैं, फटाफट रन करिए और जुड़िए हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर। टारगेट एसबीआई फाउंडेशन बैच, गुरुकुल रैंकर्स बैच, टारगेट एसबीआई क्लर्क एकलव्य और समर्थ बैच भी शुरू हो चुके हैं जो कि रीजनल लैंग्वेजेस में भी हैं। वो बच्चे जो रीजनल लैंग्वेज में प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोस्तों, उनके लिए भी बैचेस शुरू किए गए हैं। तो क्या सोच रहे हैं, फटाफट जुड़िए इस टॉप एडुकेशन प्लेटफॉर्म से। रेगुलर इंटरवल पर हम कॉम्बैट लाते हैं, यानी कि देश का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट 20 जून का कॉम्बैट कुछ स्पेशल है आपके लिए। टॉप 500 रैंकर्स को मिलेंगे अमेजॉन वाउचर और टॉप 3 जो कैंडिडेट्स होंगे मेरे दोस्तों, रैंकर्स होंगे, उनको ये 3 अवार्ड्स, 3 प्राइजेस, फर्स्ट एप्पल आईपैड मिनी, दूसरा एयरपॉड और तीसरा JBL स्पीकर। आपको कोड यूज करना है मिश्रा 10 अपने आप को एनरोल करने के लिए इस कॉम्बैट में। हर संडे को ये कॉम्बैट आता है, इसके बारे में मैं रेगुलर आपको बताता रहता हूँ। इसमें हिस्सा लीजिए, स्कॉलरशिप जो है उसका फायदा उठाइए और अनअकैडमी से जुड़ जाइए। मेरे प्यारे मित्रों, बेस्ट कंटेंट बेस्ट नॉलेज के लिए यहाँ पर ढेर सारे एडुकेटर्स हैं, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं पर्टिकुलर कैटेगरी में। आपके लिए कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है इस समय, मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है 1 ईयर + 2 मंथ और 2 ईयर + 4 मंथ। मेरे प्यारे मित्रों, 14 to 17 लिमिटेड ऑफर है। इसके अलावा आप अगर कॉम्बो ऑफर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इससे बेहतर आपके सामने कोई ऑफर नहीं है। अगर आप बैंक और एसएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मात्र 7999 में है। इसके अलावा 6 मंथ बैंक और 6 मंथ एसएससी सब्सक्रिप्शन साथ में एडिशनल बेनिफिट है। ऐसा ऑफर कहीं नहीं मिलेगा, पहली बार सुना होगा आपने। यूज करिए इस कोड को मिश्रा 10 को, बवाल मचा दीजिए मेरे दोस्तों। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है यहाँ पर, सब्सक्रिप्शन प्लान आपके सामने है। यूज करना है कोड मिश्रा 10, पाना है 10% का डिस्काउंट। मेरे प्यारे मित्रों, शुरू करते हैं सेशन को लेट्स क्रैक इट के इस स्लोगन के साथ, इस नारे के साथ, इस थीम के साथ। आपके सामने आज का सेशन समिट्स पर बेस्ड है। समिट्स, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस जो आपके एग्जाम में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज के नजरिए से आपको इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अभी हाल में ही 11 से 13 जून G7 का सम्मेलन हुआ है। ये सम्मेलन 47 समिट है, कहाँ पर हुआ, यूनाइटेड किंगडम में, यानी कि जिसे आप UK शॉर्ट में बोलते हैं। बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री हैं वहाँ के, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इनवाइट किया गया इस सम्मेलन में। इसके अलावा साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के PM को भी इनवाइट किया गया था। इन सब के बारे में ढेर सारे सवाल रखे गए हैं, विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे इन सभी सवालों को और देखेंगे क्या खास बात है। पहला सवाल आपके सामने हो आ चुका है, वो कौन सा कंट्री है मेरे दोस्तों जो G7 का सम्मेलन 2022 में होस्ट करेगा, मतलब नेक्स्ट ईयर का सवाल पूछा जा रहा है। G7 का सम्मेलन 2022 में कौन सा कंट्री होस्ट करेगा, सही जवाब बता दीजिए। मेरे प्यारे मित्रों, G7 का सम्मेलन अभी डिसाइड नहीं किया गया है 2022 में कौन सा कंट्री होस्ट करेगा। सम्मेलन जब समाप्त होने वाला होता है तब चीजों के बारे में अनाउंसमेंट की जाती है। अगली बात, G7 कंट्रीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कौन कौन सा कंट्री इसमें हिस्सा लेते हैं। आपको इसको समझने के लिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जाना पड़ेगा और उन दो पूल की टीमों के बारे में बात करना पड़ेगा। जैसे कि फुटबॉल के मैचेस या क्रिकेट के मैचेस होते हैं तो टीम बांट दी जाती है, पूल बांट दिए जाते हैं। पहला पूल जो है उसमें अमेरिका है, USA, UK और साथ साथ मेरे दोस्तों फ्रांस। इसके अलावा इसमें रशिया भी खेलता था गेम और कैनेडा जैसे कंट्री भी साथ दे रहे थे इनका। इसके अलावा जब बात करते हैं, इनको एक और नाम से पुकारा जाता था, मित्र राष्ट्र। दूसरी टीम में जर्मनी, जापान और इटली,
ये धूरी शक्तियां थी जो हारी थी, जिनके कारण बोला जाता है युद्ध शुरू हुआ था। तो ये जो टीम है, सारे कंट्रीज को मिला लिया जाए मेरे दोस्तों, तो ये G8 कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये G8 कहलाते हैं, लेकिन इस समय ये G7 है क्योंकि रशिया इसमें हिस्सा नहीं ले रहा, रशिया इससे एग्जिट हो चुका है। तो इस तरह से आपको ये पता चल गया कि G7 में कौन कौन से कंट्रीज हैं, इनके सभी नेताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो यहां पर हिस्सा ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, पहला G7 समिट किस ईयर में शेड्यूल किया गया था और कौन से कंट्री द्वारा इसे शेड्यूल किया गया था? आपको ये सवाल पूछा जा सकता है अगर आप SSC रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये जानकारी होनी जरूरी है। मेरे प्यारे मित्रों, पहला G7 सम्मेलन जो था, इसे शेड्यूल किया गया था फ्रांस के द्वारा, वर्ष था 1975। मेरे दोस्तों, तब ये ग्रुप G7 नहीं हुआ करता था, उस टाइम ये G5 हुआ करता था। और इसी वर्ष यानी कि 1975 में इटली को इनविटेशन दिया गया था जुड़ने के लिए G5 में। फिर मेरे प्यारे मित्रों, इटली जुड़ता है, उसके बाद 77 में कनाडा जुड़ता है, 81 में यूरोपियन यूनियन को यहाँ पर इनवाइट किया जाता है, और 81 से मेरे दोस्तों रेगुलर यूरोपियन यूनियन का जो हिस्सा है यूरोपियन कमीशन, उसके प्रेसिडेंट रेगुलर यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये सारी काम की जानकारी है, आपको इसके बारे में पता होना जरूरी है। अगली बात आपसे पूछा जा रहा है, जो प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन कमीशन के, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं G7 की मीटिंग्स में कौन से ईयर से रेगुलरली? अभी अभी मैंने आपको बताया है, अभी अभी जानकारी दी है, कितने ध्यान से आप सुन पाते हैं इन सब चीज़ों को, ये आपको बताना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी दोस्त साथी मित्र इस समय सेशन में जुड़ रहे हैं, फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे मित्रों फटाफट जुड़िए इस सेशन में, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सही जवाब है 1981 की बातें कर रहे हैं। 1981 से लगातार यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं G7 की मीटिंग में रेगुलरली। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दें यूरोपियन कमीशन के बारे में जानकारी, यूरोपियन यूनियन एक यूनियन है जिसमें कुल 28 कंट्री है, 28 कंट्रीज है। इस यूनियन को संभालते हैं दो संस्थाएं, एक यूरोपियन कमीशन और दूसरा जो होता है वो है यूरोपियन सेंट्रल बैंक ECB। मेरे दोस्तों, यूरोपियन कमीशन का प्रेसिडेंट यूरोपियन काउंसिल चुनता है और ECB वो बैंक है, एक तरह से सेंट्रल बैंक जो किसी पर्टिकुलर कंट्री को रेगुलेट करता है, वहाँ की अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की प्रिंटिंग यानी कि करेंसी की प्रिंटिंग या फिर बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेशन का काम करता है। यूरोपियन यूनियन में कुल 19 ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी करेंसी मेरे दोस्तों यूरो है, यानी कि इनको प्रिंट करने वाला, इनको सर्कुलेट करने वाला, इनसे संबंधित रेगुलेशन से जिम्मेदारी ECB की है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की, जिसका हेडक्वार्टर फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। ये कुछ बातें आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो फ्रैंकफर्ट में मेरे दोस्तों याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट कहाँ का शहर है? जर्मनी का है। आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं आपसे अगला सवाल नहीं बल्कि कुछ इवेंट्स जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है G7 के नज़रिए से। पहले शुरू में ये जो ग्रुप था मेरे दोस्तों G5 के नाम से जाना जाता था। आखिर G5 कब बना? 1973 में एक बहुत बड़ा ऑयल क्राइसिस आया था, उसी दौरान G5 के बनने की कहानी शुरू हुई थी, लेकिन इसका पहला सम्मेलन 1975 में होता है, 1975 में, और फ्रांस इसे होस्ट करता है। 1976 में मेरे दोस्तों इटली जुड़ता है, 77 में कनाडा, और फिर 1998 में इसमें रशिया भी जुड़ जाता है। इस तरह से ये ग्रुप G8 बनता है। लेकिन रशिया की जब बात की जाती है, जो कभी पहले USSR का एक बड़ा अंग हुआ करता था, USSR के विघटन के बाद रशिया और कई दूसरे देश बने, उन्हीं में से एक कंट्री है यूक्रेन। रशिया की हमेशा से एक यूक्रेन के हिस्से में इंटरेस्ट रहा है, उसका नाम है क्रीमिया। मेरे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो क्रीमिया प्रांत है, इसी के कारण रशिया को G8 से एग्जिट होना पड़ा, G7 बन गया G8, और 2014 में रशिया यहां से बाहर हुआ था। आगे कुछ और सवाल जो कि अलग सम्मेलन से संबंधित हैं, जो आपके एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे मित्रों, फटाफट सेशन में जुड़ जाइए सभी लोग, सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, जो भी साथी यहां पे जुड़े हुए हैं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना जरूरी है। G20 ग्रुप, G7, ब्रिक्स और 7 और देश प्लस यूरोपियन यूनियन, इन सभी को मिलाकर एक ग्रुप बनता है जिसे बोलते हैं G20। G20 की जब बातें करते हैं
तो ये विकासशील विकसित देशों का एक बड़ा समूह है। आपको बताना है वर्ष 2020 में G20 का सम्मेलन कौन से कंट्री द्वारा होस्ट किया गया था। सही जवाब दे दीजिए रपट कर दोस्तों। निम्नलिखित में से बताना है आपको 2020 में निम्नलिखित में से वो कौन सा कंट्री है जिसने 2020 का सम्मेलन होस्ट किया था। अब देखिए मैं आपसे पूछता हूं एक गच्चे वाला सवाल, यह ऐसा भी सकता है ये गच्चे वाला सवाल हो, आंसर कर दीजिए। G20 ग्रुप वॉज होस्टेड बाई, समिट वॉज होस्टेड बाई विच कंट्री? फ्रांस, इटली, जापान, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया। मेरे प्यारे दोस्तों सही जवाब यहाँ पर क्या है, सही जवाब ये नन ऑफ दीज वाला सवाल है, ये गच्चे वाला सवाल है। आपको सवाल में ये भी ढूंढना जरूरी है नन ऑफ दीज। सही जवाब है सऊदी अरब, जिसके द्वारा 2020 का सम्मेलन होस्ट किया गया था, वो भी वर्चुअल तरीके से। मेरे प्यारे दोस्तों सऊदी अरब द्वारा इस सम्मेलन को होस्ट किया गया 2020 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगली बात जानते हैं। आपसे पूछा जा रहा है प्रेसिडेंट कौन है, प्रेजेंट प्रेसिडेंट यूरोपियन कमीशन के। मैंने आपको बताया यूरोपियन कमीशन जो कि यूरोपियन यूनियन को एक तरह से संभालता है, ठीक है बच्चे। आपको जानना जरूरी है इस समय यूरोपियन कमीशन का मुखिया क्या है, कौन है। यहाँ पर कई बड़े नाम दिए और ये सारे के सारे बड़े नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंगोजी ओकोंजो इवियला, ऑडे अजाउले, क्रिस्टीन लगाडे, चार्ल्स मिशेल, उर्सुला वॉन डर लेन, ये सारे नाम बड़े काम के हैं। सही जवाब क्या है फटाफट जवाब दे दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। सही जवाब है उर्सुला वॉन डर लेन की। जब बातें करते हैं उर्सुला वॉन डर लेन जो है ये इस समय फीमेल है, मतलब फीमेल प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा इस चीज को। ये एक फीमेल प्रेसिडेंट है ना कि मेल प्रेसिडेंट, दिमाग में रखिएगा। इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि जहां पर भी जिस भी बड़े पद पर अगर कोई महिला नियुक्त है या अपॉइंट की गई है वो एग्जाम में सवाल बना दिया जाता है। यहां पर कई नाम ऐसे हैं जो कि फीमेल प्रेसिडेंट के तौर पर ही है। एंगोजी ओकोंजो इवियला ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की पहली महिला चीफ है। ऑड्रे अजाउले की जब बात की जाती है दोस्तों ये इस समय यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल है। क्रिस्टीन लगाडे ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक की जब बात करते हैं दोस्तों उसकी चीफ हैं। अगली बात चार्ल्स मिशेल जो हैं ये यहाँ पर इन पांच ऑप्शन में इकलौते मेल प्रेसिडेंट हैं और ये यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। किसके मेरे दोस्तों, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, याद रखिएगा एग्जाम में नाम पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। पांच ऑप्शन, पांच जवाब, पांच काम की बातें बता दी गई हैं। चलते हैं अगले सवाल पर और पूछते हैं आपसे कुछ नई बातें। आपको बताना है निम्नलिखित में से वो कौन सा कंट्री है जो G20 का मेंबर नहीं। अब ये टफ सवाल मान लेते हैं, आप तभी जवाब दे पाएंगे दोस्तों इसका जब आपको G20 के सारे यानी कि 19 या फिर 20 सभी के मेंबर्स के बारे में जानकारी हो। तो आपको याद करने का एक सरल तरीका बताता हूँ। G20 के मेंबर्स को अगर आपको याद करना है तो मैं G7 आपको बता चुका हूं, इसमें ब्रिक्स जोड़ लीजिए, ब्रिक्स कंट्रीज यानी कि पांच देश, ब्रिक्स कंट्रीज। देखिए G7 और ब्रिक्स, जब इसकी बात की जाती है दोस्तों G7 और जब ब्रिक्स की बातें की जाती हैं, G7 सात देश हो गए, ब्रिक्स पांच कंट्रीज हो गए। इन दोनों कंट्रीज के मेंबर्स के बारे में आपको सारी जानकारी दे चुका हूं मैं, यानी कि एक झटके से आपने 12 देशों को पढ़ लिया। अब बचे आपके पास केवल सात कंट्रीज, सेवन कंट्रीज, जिसमें साउथ कोरिया भी मेंबर है, सऊदी अरब भी मेंबर है, मैक्सिको भी मेंबर है, इंडोनेशिया भी मेंबर है, लेकिन मलेशिया मेंबर नहीं है। मैंने आपको यहां पर एक सवाल में मेरे दोस्तों 16 कंट्रीज की जानकारी दे दी है। आपके पास तीन कंट्रियों के बारे में और पता करना है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और एक कंट्री जो आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। अगली बात, 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन EU, यूरोपियन यूनियन अकेले ही 28 देशों का समूह है, 28 कंट्रीज का एक ग्रुप है, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। और यूरोपियन यूनियन में 19 ऐसे कंट्री हैं मेरे दोस्तों जिनकी करेंसी यूरो है, ये भी याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये सारे काम की बातें मैं आपको बताता हूँ हर शाम को 5 बजे करंट अफेयर एनालिसिस में। और आने वाले दिनों में आपके लिए लॉन्च हो रहा है एक फ्री बैच बैंकिंग अवेयरनेस का दोपहर को 12 बजे। तो ये दो बैच बहुत काम के हैं दोस्तों, इन दोनों बैचेस के साथ जुड़ी अपनी तैयारी को एकदम तूफानी अंदाज में आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ते हैं और आपसे एक सवाल और पूछते हैं।
आपको बताना है G20 का सम्मेलन, भारत यहाँ पर मेंबर है क्योंकि ब्रिक्स का मेंबर भारत है, आपको बताना है G20 का सम्मेलन मेरे दोस्तों भारत द्वारा कब होस्ट किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें भारत इस सम्मेलन को 2022 में होस्ट करने वाला था, लेकिन COVID-19 के कारण, पैंडेमिक के कारण हमारा जो यहाँ पर इस सम्मेलन को होस्ट करने का दावा था हमने उसे एक वर्ष आगे बढ़ा दिया है। यानी कि 2022 का जो सम्मेलन है उसे आप इंडिया नहीं, इंडिया जैसे नाम का कंट्री इंडोनेशिया वो होस्ट करेगा, इंडोनेशिया, और 2023 में इंडिया इस सम्मेलन को होस्ट करने वाला है। मेरे जितने भी साथी यहाँ पर सेशन में जुड़े हुए हैं फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए दोस्तों, लाइक करना मत भूला करिए, लाइक करने में कितना समय लगता है। दूसरी बात, सेशन को शेयर किया करिए अपने सभी दोस्तों को सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली बात मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें 2021 का सम्मेलन कौन होस्ट कर रहा है, इटली होस्ट कर रहा है। कौन सा कंट्री से होस्ट कर रहा है, इटली। इटली की कैपिटल सिटी रोम, रोम में ही हेडक्वार्टर है FAO और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जैसी संस्थाओं का। आगे बढ़ते हैं और आपसे कुछ और सवाल पूछते हैं इससे संबंधित। मैंने अभी बताया आपको कि G20 की जब बात करते हैं तो बेटा G7, ब्रिक्स और 7 कंट्री, ब्रिक्स प्लस 7 कंट्री और यूरोपियन यूनियन, ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है किस तरह से ये 20 मेंबर्स उठते हैं। ब्रिक्स की जब चर्चाएं होती हैं तो मेरे दोस्तों ब्रिक्स 2021 का सम्मेलन इंडिया ही होस्ट कर रहा है इस समय, ये भी ध्यान रखेगा। कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है, इंडिया होस्ट कर रहा है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 विकासशील देशों का समूह है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है एक ऐसे ग्रुप के बारे में जिसका नाम है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया के वो देश, उनका समूह जिसमें 10 कंट्री मेंबर के तौर पर शामिल है। बताना है आपको पिछले वर्ष, यानी कि वो वर्ष जो COVID-19 की भीड़ चढ़ गया 2020 में, इस सम्मेलन को किस देश द्वारा पहली बार वर्चुअली होस्ट किया गया था, बता दीजिए फटाफट। आसियान समिट की जब बात करते हैं दोस्तों, वर्चुअली पहली बार किस कंट्री द्वारा और किस वर्ष में होस्ट किया गया, सही जवाब क्या है कमेंट बॉक्स में आंसर करिए फटाफट, आपके जवाब का इंतजार है मुझे दोस्तों, रफ्तार के साथ आंसर करिए फटाफट, बता दीजिए किस कंट्री द्वारा इसे होस्ट किया गया है। सही जवाब है वियतनाम, इसे होस्ट किया है वियतनाम ने 2020 में, ये आपको पता होना चाहिए। अगली बात, किसी भी इस प्रकार के सवाल से संबंधित 3 बातें आपको याद रखनी है, पिछला सम्मेलन कहां पर हुआ था, यह सम्मेलन कहां हुआ इस वर्ष, और अगला सम्मेलन मेरे दोस्तों किस कंट्री में होस्ट किया जाएगा, ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। वियतनाम जिसकी कैपिटल सिटी हनोई है, हनोई में ही मेरे दोस्तों इस सम्मेलन को होस्ट किया गया था, और यहां की जो करेंसी है उस करेंसी का नाम है डोंग, करेंसी क्या है डोंग। वियतनाम आसियान देशों का समूह है, यानी आसियान देशों में एक कंट्री के तौर पर है, मेंबर के तौर पर है। आसियान में कुल 10 कंट्रीज आते हैं, याद रखिएगा। अगला सम्मेलन, यानी कि कोई पूछे आपसे वर्ष 2021 का सम्मेलन कौन सा कंट्री होस्ट करेगा, तो आपका जवाब होगा ब्रुनेई। ब्रुनेई 2021 का सम्मेलन होस्ट करेगा आसियान का, यह आपको पता होना चाहिए, यानी कि इस वर्ष अक्टूबर के महीने में ब्रुनेई आसियान के सम्मेलन को होस्ट करने जा रहा है। आपको बताना है फटाफट निम्नलिखित में से वो कौन सा कंट्री है दोस्तों जो आसियान ग्रुप का मेंबर नहीं है। आप समझ लीजिए इस चीज को, अगर आपको 10 देशों के नाम नहीं पता है तो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, सीधी सी बात है, आपको इन 10 देशों के बारे में पता होना जरूरी है। म्यांमार मेंबर है, सिंगापुर मेंबर है, सेशेल्स मेंबर नहीं है। सेशेल्स में दोस्तों ये अफ्रीकन नेशन है, अफ्रीकन आइलैंड है, और इसकी कैपिटल सिटी जो है विक्टोरिया है। कैपिटल सिटी क्या है, विक्टोरिया। भारत के साथ संबंध काफी अच्छे हैं, एक खूबसूरत आइलैंड नेशन है, टूरिज्म के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है। वियतनाम भी मेंबर है और थाईलैंड भी, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहां पर सही नहीं। आपसे पूछा जा सकता है आसियान जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मेरे दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहां पर है कमेंट बॉक्स में फटाफट जवाब दीजिए। आसियान ग्रुप का हेडक्वार्टर कहां पर है, सही जवाब जकार्ता। जकार्ता की जब बात करते हैं, ये कैपिटल सिटी है इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया की कैपिटल सिटी है, इसके बारे में आपके पास जानकारी होनी जरूरी है। जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल सिटी है, इसे सिंकिंग कैपिटल के तौर पर जाना जाता है। सिंकिंग कैपिटल का मतलब समझिएगा एक डूबता हुआ शहर, एक डूबती हुई राजधानी। कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग।
सी लेवल लगातार बढ़ रहा है, ये आइलैंड पानी में समा रहा है धीरे धीरे, एक समय ऐसा आएगा जब ये आइलैंड नहीं होगा, ऐसा भी लोग बोलते हैं। लेकिन किस तरह से इसे संभाला जाए, रोका जा सके, मेरे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंडोनेशिया की 30% से ऊपर पॉपुलेशन जकार्ता में ही रहती है, सबसे पॉपुलेटेड सिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और साथ साथ में ग्लोबल वार्मिंग का असर इस कारण से सी लेवल लगातार बढ़ रहा है, ये चिंता का विषय है। इसीलिए इंडोनेशिया की सरकार और वहाँ के प्रधानमंत्री जोको विडोडो द्वारा एक नई कैपिटल सिटी का अनाउंसमेंट किया गया है। अब कैपिटल सिटी जकार्ता से मूव कराकर नई जगह पर, नए आइलैंड पर बसाई जाएगी और उस नए आइलैंड का नाम है बोर्नियो आइलैंड। ऐसा नहीं कि नया आइलैंड है, कैपिटल सिटी नई यहाँ पर बनेगी, बोर्नियो आइलैंड, बोर्नियो द्वीप और ईस्ट कालीमंटन, ये नई कैपिटल सिटी होगी, ऐसा कहना है सरकार। 2024-25 तक ये कार्य पूरा हो जाएगा, कैपिटल सिटी को शिफ्ट कर दिया जाएगा, जकार्ता में जो इस समय बोझ है उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, इंडोनेशिया की जब बात करते हैं तो यहाँ की करेंसी रुपया है, इंडिया की रुपया है तो यहाँ की क्या है, रुपया, ऐसे याद रखिए। मलेशिया की जो करेंसी है वो रिंगिट है, बच्चे इंडोनेशिया और मलेशिया की करेंसी में कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कन्फ्यूज मत होइए, आगे बढ़िए, हमारे साथ बने रहिए। 2021 आशियान समिट कौन से कंट्री द्वारा होस्ट किया जाएगा, अभी अभी बताया मैंने आपको, 2021 का आशियान सम्मेलन जो है ये किस कंट्री द्वारा होस्ट किया जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, जवाब दे दीजिए तूफानी अंदाज में, सेशन को लाइक करते चलिए, दोस्तों के साथ शेयर करते चलिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जितने भी साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। 2021 आशियान शिखर सम्मेलन की जब बात की जाती है, इसे ब्रुनेई होस्ट करेगा, कौन सा कंट्री होस्ट करेगा दोस्तों, ब्रुनेई होस्ट करेगा इसे, ब्रुनेई है ना, तो याद रखिए ब्रू कॉफी। अगला सवाल, एक और इस प्रकार का ग्रुप है एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये एशिया पैसिफिक के देशों का एक समूह है, इसमें 21 कंट्री मेंबर हैं, 21 देश यहाँ पर मेंबर हैं। आपसे पूछा जा रहा है इस संस्था का हेडक्वार्टर, इस ग्रुप का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मेरे दोस्तों एक खूबसूरत शहर सिंगापुर सिटी, सिंगापुर में इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो भी कंट्रीज दिए गए हैं उसमें कुछ हेडक्वार्टर जकार्ता, आशियान देशों का समूह जो है उसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है। अगली बात, बीजिंग में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO जिसमें 8 कंट्री मेंबर हैं, 8 कंट्री मेंबर है। अगली बात, बीजिंग में मेरे दोस्तों एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, AIIB का, और यहीं पर मेरे दोस्तों पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जो कि चाइना का सेंट्रल बैंक है उसका हेडक्वार्टर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, सिंगापुर में एपेक का हेडक्वार्टर है। अब देखिए ऊपर के तीन ऑप्शन तीन ग्रुप्स के हेडक्वार्टर्स, मैं इसी तरह से पढ़ाता हूँ, एक सवाल में कई बातें बताने का प्रयास करता हूँ, एक सवाल एक जवाब नहीं, कई बातें काम की। पोर्ट लुइस ये मॉरिशस की कैपिटल सिटी है, मॉरिशस की जो है कैपिटल सिटी है, हमारा फ्रेंडली कंट्री है, और विक्टोरिया सेशल्स की, याद रखिएगा विक्टोरिया सेशल्स की, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर एकदम दुरुस्त है। अगला सवाल आपके सामने है मेरे दोस्तों, एक ग्रुप वर्ल्ड बैंक का ग्रुप जिसमें 5 मेंबर यानी कि तरह से 5 मेन ऑर्गन बॉडीज हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन की जब चर्चा की जाती है तो उसके 6 ऑर्गन मेन्स हैं, मेन है, 6 मेन ऑर्गन्स हैं, ऐसे ही वर्ल्ड बैंक की जब बात की जाती है तो 5 मेन ऑर्गन बॉडीज हैं इसके, यानी कि 5 सब्सिडरीज हैं। इन सभी संस्थाओं के हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है, जैसे वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। आपको बताना है निम्नलिखित में से वो कौन सा संस्थान है दोस्तों जो कि वर्ल्ड बैंक का हिस्सा नहीं है। अब ये सवाल तब जवाब दे पाएंगे जब पांचों संस्थाओं के बारे में जानकारी होगी आपके पास, क्या है, अगर हाँ है कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजिए। सही जवाब क्या है, सही जवाब मेरे प्यारे दोस्तों IDFC है। IDFC की जब चर्चाएं होती हैं तो ये एक संस्था है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फिनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है बच्चे, ये पहले एक इंडस्ट्रियल बैंक हुआ करता था, वर्ष 2014 में इसे लाइसेंस दिया जाता है दोस्तों बैंकिंग का, प्राइवेट कमर्शियल बैंक का, एक और बैंक के साथ नाम है उसका बंधन बैंक, नाम तो सुना ही होगा आपने, बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कलकत्ता में और IDFC का हेडक्वार्टर मुंबई में, ये एक इंडियन प्राइवेट बैंक है, याद रखिएगा इंडियन प्राइवेट कमर्शियल बैंक, प्राइवेट बैंक, तो इस नजरिए से वर्ल्ड बैंक की ये संस्था नहीं है। तो इसके अलावा वो कौन सी संस्था है जो कि वर्ल्ड बैंक की 5 सब्सिडरीज में से एक है, उसका नाम है दोस्तों ICSID, ये वो संस्था है
जो वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इन सभी पांच की पांच संस्थाओं के हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में ही है, वॉशिंगटन डीसी। वहां पर वर्ल्ड बैंक के अलावा आईएमएफ का भी हेडक्वार्टर है, नासा का भी हेडक्वार्टर है, और साथ साथ में अमेरिका के सेंट्रल बैंक का भी हेडक्वार्टर जिसका नाम फेडरल रिजर्व है। आपकी जानकारी के लिए बता दें बेटा एक बार फिर से, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, फेडरल रिजर्व, नासा, ये चार संस्थाएं जिनका हेडक्वार्टर कहां पर है, जिनका हेडक्वार्टर दोस्तों वॉशिंगटन डीसी में, WDC में। आगे बढ़ते हैं, अगली बात मेरे प्यारे मित्रों, पांचों संस्थाओं के हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में ही है। जब वर्ल्ड बैंक की चर्चा करते हैं तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स और बड़े पद हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। डेविड मेलपास यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, कार्मन रेनहर्ट यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट, अंशुला कांत यहाँ पर MD हैं। डेविड मेलपास की जब चर्चा करते हैं, मैं बता रहा हूँ प्रेसिडेंट हैं, कार्मन रेनहर्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं VP, और अंशुला कांत दोस्तों MD CFO हैं। राजेश खुल्लर यहाँ पर ED हैं, और अभी हाल में ही एक नाम काफी चर्चाओं में है, रंजीत सिंह दिसाले। क्या नाम है दोस्तों? रंजीत सिंह दिसाले, ये जो नाम है ये काफी चर्चाओं में चल रहा। आखिर क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल टीचर्स प्राइज 2020 के सम्मानित विजेता हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक एडुकेशन एडवाइजर के तौर पर इनकी नियुक्ति की गई है 2024 तक के लिए। ये बड़ी खबर है, एग्जाम में बन सकती है। दिसाले साहब सोलापुर महाराष्ट्र में प्राइमरी टीचर के तौर पर कार्यरत हैं। अपने अनोखे ढंग, अलग तरीके से बच्चों के साथ जो टीचिंग वे है उसके लिए जाने जाते हैं। बच्चों के ज्ञान को, बच्चों की बोल सकते हैं कि उनकी नॉलेज को एक अलग डिफरेंट वे में एनहेंस करने के लिए इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। इसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताना है वो कौन सा कंट्री है जिसे G7 2021 के सम्मेलन में इन्वाइट नहीं किया गया है। मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, साउथ कोरिया इन्वाइटेड है, ऑस्ट्रेलिया इन्वाइटेड है, इंडिया इन्वाइटेड है, रशिया नहीं इन्वाइटेड है। यहाँ पर रशिया G8 का हिस्सा, G7 का हिस्सा नहीं है, G8 का हिस्सा था, बाहर हो गया 2014 में, 2017 में अपनी सदस्यता खत्म की इसने। और पिछले वर्ष जब कैंप डेविड में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस G7 सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी तो G7 को G10 या G11 बनाने की बातें कही जा रही थी। मेरे दोस्तों साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इस वर्ष इनवाइट किए गए हैं G7 के सम्मेलन में। भारत और हमारे प्रधानमंत्री को G7 के सम्मेलन में दूसरी बार इन्विटेशन मिला है। पहली बार 2019 में फ्रांस में जब बियरिच में इस सम्मेलन को होस्ट किया गया था, तब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया था। दोस्तों आगे अगला सवाल आपके सामने है, एक संस्था का हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। मेरे दोस्तों ये संस्था इंपॉर्टेंट है, इस समय COVID-19 की मार से हम आहत हैं, पूरा विश्व आहत है, विश्व को नुकसान पहुंचा है इस COVID-19 वायरस से। आखिर ये वायरस आया कहां से? कहना है बायो एक्सपर्ट का, ये एक जूनोटिक वायरस है, यानी कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हुआ है। तो इस प्रकार के जो भी वायरस या जो भी बीमारियां हैं जो ऐसी हो सकती हैं या इस प्रकार की दिक्कत आने वाले वर्षों में आ सकती हैं, इससे संबंधित एक पैनल का गठन किया गया है, हेल्थ पैनल। और ये पैनल, इसमें WHO, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम और FAO, ये संस्थाएँ हिस्सा लेंगी क्योंकि इससे संबंधित विषयों पर काम करेंगी। इसका मुख्यालय मेरे दोस्तों पेरिस में है। आमतौर पर बच्चे इसका मुख्यालय जेनेवा में बताएंगे क्योंकि जैसे वो सुनेंगे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ उन्हें लगेगा हेल्थ से संबंधित है, हेडक्वार्टर जेनेवा ले जाएंगे और सवाल गलत कर देंगे। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों सवाल गलत नहीं, सही करना है, और इसी के लिए मैं यहाँ पर आपके सामने हूँ। तो क्या सोच रहे हैं, फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए। अगला सवाल, एक इनिशिएटिव है एक बीमारी से संबंधित, TB जिसे बोलते हैं आप लोग, ट्यूबरक्लोसिस। मेरे दोस्तों ट्राइबल TB इनिशिएटिव नाम का इनिशिएटिव कौन से कंट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? ये ट्राइबल इलाकों में, यानी कि आदिवासी इलाके जो हैं जहाँ पर सेवाएं नहीं पहुँच पाती हैं, वहाँ पर भी TB मुक्त
बनाने का पहल किया गया है भारत के द्वारा, इंडिया के द्वारा। याद रखिएगा, सवाल एग्जाम में बन सकता है। अभी हाल में ही हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन साहब को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सम्मानित किया गया है टीबी एलिमिनेशन इनिशिएटिव के लिए। यह भी बड़ी खबर है। टीबी को भारत 2025 से तक देश से एकदम साफ करना चाहता है, जबकि विश्व का टारगेट 2030 तक का है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने का टारगेट। अगला सवाल, बिम्स्टेक एक ऐसा ग्रुप जो कि बंगाल की खाड़ी के आसपास बसे हुए देशों का है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मेरे दोस्तों, इस संस्था, इस ग्रुप की स्थापना 6 जून 1997 को हुई, 6 जून 1997 को, और इसीलिए 6 जून को मनाया जाता है बिम्स्टेक डे। आपसे पूछा जा सकता है हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जवाब होगा आपका ढाका में। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? ढाका में इसका हेडक्वार्टर है, बांग्लादेश की कैपिटल सिटी। बांग्लादेश द्वारा इस वर्ष 2021 में 50th एनिवर्सरी मनाई गई है, नेशनल डे मनाया गया है अपना। कब? 26 मार्च। हमारे प्रधानमंत्री 26 और 27 मार्च बांग्लादेश में ही मौजूद थे। इस वर्ष बांग्लादेश के, बोल सकते हैं, फादर ऑफ नेशन जिसे बोला जाता है, शेख मुजीबुर रहमान को गांधी पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया 2020 के। ये सब सवाल एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके सामने मैप है दोस्तों, मैप में उन 7 कंट्रीज के नाम दिए गए हैं, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और थाईलैंड, जो कि बिम्स्टेक का हिस्सा है। आप समझिएगा, बिम्स्टेक को जब भी आप लिखते हैं, इस नाम से ही आप मेंबर कंट्री के बारे में जानकारी पता कर सकते हैं। बी फॉर भूटान एंड बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार, एस फॉर श्रीलंका, टी फॉर थाईलैंड। अब देखिए, ई सी क्या है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन। आप बोलेंगे सर एक कंट्री रह गया, मैं बोलूंगा एम के बाद क्या आता है, बोलेंगे नेपाल, यानी कि एन। मेरे प्यारे दोस्तों, एक दिन से संबंधित सवाल, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? बहुत सारे बच्चे जून के महीने में एक दिन ऐसा ही होता है उससे कंफ्यूज होते हैं, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, जिसे WHO मनाता है। लेकिन ये जो दिवस है, ये 7 जून को नहीं, 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO नाम की संस्था सेलिब्रेट करती है, ऑब्जर्व करती है, जिसका हेडक्वार्टर रोम में है। 16 अक्टूबर 1945 में संस्था की स्थापना हुई थी। मेरे प्यारे मित्रों, आप जितने भी दोस्त, साथी, मित्र समय सेशन में जुड़े हुए हैं, सेशन को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए सेशन लाते हैं शाम को 5 बजे और दोपहर को 12 बजे। बैंकिंग अवेयरनेस का सुपर बैच शुरू हो रहा है आपके बैंकिंग एग्जाम्स को देखते हुए। तो आज के सेशन को समाप्त करने का समय आ चुका है। डेली सुबह 8 बजे मैं लाता हूँ करंट अफेयर का सेशन अनअकैडमी एप्लीकेशन पर। इस कोड को याद रखिए, इस कोड की मदद से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगली बात मेरे प्यारे मित्रों, याद रखिए, ये जो 10:30 PM के सेशन है, ये मॉक टेस्ट सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अनअकैडमी एप्लीकेशन पर मेरा नाम फॉलो कर लीजिए। ये सेशन की जानकारी दी गई है आपके सामने, सुबह 8 बजे, शाम को 6 बजे, रात को 10:30 बजे। लेट्स क्रैक इट के साथ इस सेशन को समाप्त करने का समय आ चुका है। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, जुड़ने के लिए सेशन में धन्यवाद। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर लटक जाइए, जैसे नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचता रहे। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़िए वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम के साथ और अपनी तैयारी को तूफानी अंदाज में आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।